क्या हुआ? पानी लेकर आओ। मन का मतलब मिनरल वाटर ला। पानी पीजिए। अरे चिल्लाओ मत, अंकल के मुंह पे सारा थूक गिर रहा है, पीछे जाओ। जस्ट शट अप, मेरे साथ आओ, आओ इधर आओ। दिमाग खराब है तुम्हारा? भला आज तक कोई मिट्टी छूने से मरा है क्या? इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर गांव क्यों आए मेरे साथ, अपने प्यार का झूठा नाटक करने के लिए? ये क्या बोल रही हो मेघना? तो क्या बोलू, एक तो मैदान छोड़कर भाग आए, तुम हारोगे तो मेरी शादी श्रीनु से हो जाएगी, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो प्यार की कोई कदर ही नहीं है, तुम सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हो और किसी से नहीं। 24 घंटे बस अपनी हेल्थ, अपनी सफाई, अपनी परवाह करते हो। ना तो तुम्हें इस गांव की परवाह है, ना ही मेरे पापा की और ना ही मेरी, बस अपनी प्रॉब्लम्स में घुसे रहते हो। कुएं के मेंढक हो तुम, यहाँ इंसान नजर नहीं आते तुम्हें, सिर्फ धूल और मिट्टी नजर आती है। एक लड़की होते हुए भी मैं उस राक्षस को हराने का कलेजा रखती हूँ, और तुम एक मर्द होते हुए भी भीगी बिल्ली की तरह मैच कैंसिल कराने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या यही है तुम्हारी मर्दांगी? देखो, अगर तुम आज का ये मैच हार गए ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इसे छोड़ दूं, जाने दूं, नहीं हो सकता। अरे इसमें मट्टी है, दूर करो दूर करो। अरे इसे मट्टी मत कहो, मेरा प्यार समझो, जरा छू के देखो। पूरी मटकी मट्टी की है, बेवकूफ मत बनाओ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है। Ah.
कैसा है बेटा? होश में आ गए? लगता तो अब कैसा लग रहा है आपको मिस्टर आनंद? देखिए, मिट्टी में खेलने से पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई है। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। बॉडी को हर चीज की आदत होनी चाहिए। अगर बॉडी में रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी कम हो जाए तभी ऐसी हालत होती है मिस्टर आनंद। ये कौन है? ये इसकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बूस्ट करने आई है डॉक्टर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या काम है? चलो सब बाहर चलो, इन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने दो। आओ, यहाँ क्या करने आई हो? ये देखने कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों कह रहे हो? तो और क्या कहूँ? अगर मुझसे प्यार करती हो तो ये जानते हुए कि मुझे ओसीडी है, मिट्टी में क्यों धकेल दिया मुझे? अगर पता चल जाए किसी को तकलीफ है तो उसे कम करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की नहीं। वो तो माँ की दुआ थी जो जिंदा बच गया, वरना निकल लिया होता मालूम है, फिर रोती रहती। बस करो ये ड्रामा, मैं तुम्हारे आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ। जैसे अपना प्यार साबित किया तुम्हें भी साबित करना पड़ेगा। रोज सैनिटाइजर से नहाओ, घस घस के बॉडी लोशन लगाओ। प्यार की खातिर साबित करो तुम्हें मुझसे ज्यादा ओसीडी है, तभी तुम्हारी बात मानूंगा। देख क्या रही हो, प्यार साबित करना है कि नहीं? कैसे करोगी? साबित करने का ये कौन सा तरीका है? इससे बढ़िया तरीका और कोई हो भी नहीं सकता। मेघना, तेरे को रोमियो जूलियट की कसम है, अभी तुम दो हो ना, तीन बनकर निकलो। ओए, आज ब्रश किया था? ये क्या, पहली वाली में तो नहीं पूछा था? उसमें मैं बहक गया था, पर इस बार होश में करूंगा ना। आजा। डॉक्टर, इमरजेंसी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। जी। माँ, तुम्हारे हाथों में क्या लगा है? तुमने हैंड वॉश नहीं किया क्या? वॉश किया बेटा, चलो खा लो। कितनी बार किया? खाना है कि नहीं खाना है? पहले तुम हैंड वॉश करो, अपने नेल्स काटो, ग्लव्स पहनो और सैनिटाइज करो, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगा। अरे हाफ टिकेट। ओसीडी तुम्हारा खानदानी धंधा है क्या? पहले बाप ने किया, अब तू करेगा, इससे बाहर निकल। चल चल मेरे साथ।
कहाँ जा रहे हो आनंद? इस साफ सफाई की वजह से अपनी माँ से दूर रह चुका हूँ, पर इसे दूर नहीं होने दूंगा मैं। ये मेरे जैसा नहीं बनेगा। पता नहीं मैं एक अच्छा पति बन पाया हूं या नहीं, पर इसे एक अच्छा बेटा जरूर बनाऊंगा। जो खुशी मैं अपनी मां को कभी नहीं दे पाया, उनका पोता उन्हें जरूर देगा। आते हम लोग। चल नहाते हैं।